नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। क्या नाम है चाचा आपका? इस्लाम है। जो आपके गांव के सरपंच है, इन्होंने कैसे काम कराए गांव में? बढ़िया काम करें। आने वाली योजना बनाओगे सरपंच? कोई टाइम आएगी तो बनाऊंगी। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं गांव मठेरपुर से सरपंच पति विजेंद्र जी। इनके कार्यकाल को 4 साल हो चुके हैं और आइए इनसे हम बात करते हैं, 4 साल के कार्यकाल में कितने विकास कार्य कराए अपने गाँव में। तो सरपंच, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो आपके कार्यकाल को 4 साल हो चुके हैं जी, तो आपने कितने विकास कार्य कराए अपने गांव में? मैंने जी 4 साल में एक शमशान बनवाया है, शमशान घाट। जो भी रास्ते हैं, एक आधी फिरनी बची हुई है, उसको भी इस चार पाँच महीने के भीतर उसको भी कराने की पूरी पूरी उम्मीद है। सरकार से ग्रांट बहुत जल्दी आने वाली है। जो भी कार्य मैंने गांव में करवाए हैं, वे बगैर कोई ग्रांट के, जो PRI किस्त आती है उससे और WGO किस्त आती है उससे, एक मैंने अपने पंचायत की जो पट्टो है उसको छोड़ा है, उससे विकास कार्य करवाए हैं। कब्रिस्तान में लाइट लगवाई है, शमशान में नल के लगवाए हैं, कब्रिस्तान में नल के, चौराहे पे नल के, और भी बहुत कार्य कराए हैं। और मरीज ये 6 महीना बच रहे हैं, इसमें मतलब एक आध काम कोई बचेगा जो फिरनी है, उसको भी बहुत जल्दी हम पक्का करने वाले हैं। तो लगभग कितने करोड़ का आपने विकास कार्य करा दिए होंगे आज तक? कम से कम मैंने 70-80 लाख रुपए का विकास कार्य करा चुका हूँ। तो लगभग 1 साल रह गया आपके कार्यकाल को जी, तो आपकी क्या भावी योजना है जो आप 1 साल के अंदर कराना चाहते हो अपने गाँव में? सबसे पहले मेरी गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है, जच्चा बच्चा वाले जो हमारे छाए से के और मठेपुर ग्राम पंचायत के बीच में, वे आज से कोई 9-10 साल पहले की बनी हुई है। उसमें ना तो कोई डॉक्टर है और ना कोई, उसमें आज भी मतलब बिल्डिंग बना के उसकी मतलब भैंस बकरी बन रही है उसमें कोई। हमारे तो यही सरकार से यही निवेदन है कि हमारे उसमें जच्चा बच्चा का जो भी डॉक्टर हैं उसमें वे चालू कराए जाए। सबसे मोटी परेशानी तो ये है जी। और मेरे गांव में जो ये मतलब एक आध रास्ता फिरनी बच रही है शायद, वो फिरनी को भी मैं बहुत जल्दी करा दूँ। तो देखा जाए देहात एरिया, रूरल एरिया है, कहीं ना कहीं महिला के साथ क्राइम देखा जाता है, तो आपने अपने गांव में कितने विकास कार्य कराए महिला की सुरक्षा के लिए? मैंने जी लाइट लगवाई चौराहे पे, और मतलब जो आने वाली है 2-3 महीने के बाद में हर चौराहे पर लाइट लगाऊंगा, और मतलब कैमरे भी लगाऊंगा उसमें, जाके तौर से हमारी जो माता बहन है वो सुरक्षित रहेगी। तो अंत में आप अपनी गांव की जनता को मैसेज या संदेश या कोई अपील करना चाहोगे? मैं तो सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ेंगे तो जब भी आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और जी कहना है का ध्यान रखें जी, अपने भाईचारे को बनाए रखें। हाँ जी, मैं अपने परवीन भाई डागर साहब से अनुरोध करता हूँ, जो भी विकास कार्य अधूरे रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कुछ हमारे गांव के लिए ग्रांट दें, जैसे हम विकास को पूरा कर सकें।